सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेटिक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा मेरा ये पिछला टैंक था। इसमें मेरा हाफ पानी भर के रखता था और इसमें एक ड्रिफ्टवुड होती थी। तो अभी वो पूरा चेंज कर दिया, मतलब स्टोन की पोजीशन भी आपको चेंज दिख रही होगी और पानी भी मैंने फुल कर दिया और ड्रिफ्टवुड भी हटा दिए। तो वो इसलिए क्योंकि आपको इसमें एक बम्बू प्लांट की स्टिक लगी हुई दिख रही होगी, तो उस टाइप का आज मैं इसमें डिजाइन देने वाला हूँ पूरा बम्बू प्लांट का। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है, क्योंकि मेरे जो बम्बू प्लांट थे, मैंने पीछे बाउल रखा हुआ, उसके अंदर रख रखे थे, बट रेगुलरली पानी चेंज करने के बाद भी इसकी जो स्टिक्स है वो येलो पड़ रही थी, खराब हो रही थी, मेल्ट हो रही थी। तो इसके अंदर अभी जो मैंने इसको लगा रखा है स्टिक के, इसके रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है अकॉर्डिंग टू बाहर के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसकी आप रूट ग्रोथ देख सकते हैं, इसको मैंने अप्रोक्स 1 से 1.5 सप्ताह हुआ, तो उसके अंदर इसकी रूट देख सकते हैं, न्यू रूट्स आने लग गई है। व्हाइट वाली जो रूट है वो न्यू रूट्स है। तो इसलिए मैं इन सारी जो बम्बू प्लांट की स्टिक्स हैं, इनको सबको मैं टैंक के अंदर सेट करूंगा और एक नए डिज़ाइन का टैंक बनाऊंगा। तो इसका ये बेनिफिट है कि इसके अंदर आपको कोई एक्वेटिक सॉइल होती है, जो सॉइल मीडिया होती है, उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। आप ऐसे ही मतलब जो सैंड है या फिर ग्रेवल है उसके अंदर लगा सकते हैं। तो अगर आप भी विदाउट एनी सॉइल के आप अपना प्लांटेड टैंक सेटअप करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, बहुत ही मतलब चीप रेट में रहेगा। तो चलिए सेट करते हैं इसको। तो अभी इसमें मैं थोड़ा डेप्थ इफेक्ट देने की कोशिश करूंगा। डेप्थ इफेक्ट इन द सेंस, आगे मतलब जो लंबी वाली स्टिक है वो आगे लगेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी पीछे की तरफ लगेगी, तो उससे थोड़ा डेप्थ इफेक्ट आता है। तो वो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें डेप्थ इफेक्ट आ सके। तो इसमें मैं लगाना शुरू करता हूँ और करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। अभी का कुछ फाइनल लुक हमारा ऐसा दिख रहा है। तो ये पूरा वाटर क्लीन हो चुका है, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब एक्वाटिक प्लांट आप कहीं से ढूंढ नहीं पा रहे, बाय नहीं कर पा रहे, तो आप ये बम प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि बम प्लांट इजीली कहीं पे मिल जाते हैं। तो आप ये इसके अंदर लगा सकते हैं, इसमें किसी भी एक्वा सॉइल की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी जो फर्टिलाइज़र हम लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी नीड नहीं रहेगी। क्योंकि जो हमारे बम प्लांट रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो वाटर के अंदर जो मिनरल्स आते हैं उससे ही ये मतलब खुद ग्रोथ करते हैं, और इनकी ग्रोथ बहुत स्लोली होती है, जिससे कि मतलब आपको बार बार ट्रिम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस ये है कि आपको एक ऐसी नेचुरल लाइट, नेचुरल क्या, एक आर्टिफिशियल लाइट लगानी पड़ेगी इसके अंदर, जिससे कि इनको लाइट की डेफिशिएंसी ना हो और मतलब ग्रोथ भी सही रहे। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं, मैं बहुत टाइम पहले लेके आया था, उसके बाद इसमें ये ग्रोथ आना शुरू हुई है थोड़ी बहुत। और ये मेरा जो अनुमिया नाना है वो है, बट इसके अंदर क्या, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक थोड़ा पानी से बाहर रख दिया था, तो इसकी ये लीव्स है थोड़ी ड्राई टाइप हो चुकी है। तो अभी ये भी सेट हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो आप भी विदाउट एक्वासॉइल अगर प्लांटेड टैंक सेटअप करना चाहते हैं और जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़े, तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है, और थोड़ा डेप्थ इफेक्ट ट्राई करा था देने का, बट मेरे को नहीं लग रहा कि डेप्थ इफेक्ट आया इतना। और ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से तो मेरे थोड़े बहुत ही डकवीट डाल रखे हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ होते रहते, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी मैंने कम कर रखी है, ज़्यादा वाट की लाइट नहीं है। तो ये बहुत ही, मेरे को लगा कि बहुत ही मतलब चीप रेट में होने वाला है, क्योंकि आपको अप्रोक्स 3300 के अंदर अंदर आपको एक 3 लेयर वाला जो बम प्लांट है वो मिल जाएगा। और बाकी आप अंदर नीचे चाहें तो जैसे ऐसे शुगर सेंट है किसी भी कलर के डाल सकते हैं, या फिर ग्रेवल डाल सकते हैं, चिप्स वाले आते हैं, तो उसके कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सॉइल ही डालें, क्योंकि इनको बस जो प्लांट रहते हैं, इनको बस रूट पकड़ने के लिए वो कुछ सब्सट्रेट चाहिए रहता है, मतलब ज़रूरी नहीं है एक्वा सॉइल, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो जो हमारी कंस्ट्रक्टिव सैंड आती है उसको पूरा प्रिपेयर करके वो डाल सकते हैं, उसमें भी अच्छा रहेगा, नेचुरल लुक भी आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अभी की वीडियो तो हमारी यहीं तक थी, और इसके मैं आगे अपडेट दूंगा कि इनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, क्योंकि वैसे तो ग्रोथ अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने पहले एक स्टिक डाली थी, उसकी रूट्स आपको दिखाई थी कितनी अच्छी मतलब डेवलप हुई है, न्यू रूट्स। तो इसकी ग्रोथ तो ऑब्वियसली अच्छी चलेगी, तो आगे भी इसका अपडेट देता रहूँगा कैसे क्या चल रही है इनकी ग्रोथ। तो अभी की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।